डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हाय गाइस, दिस सैड आशु अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज व्लॉग हम दिखाने वाले छौं, मैं तुमते यहाँ पर एक फेमस मार्केट जो बने एक बाजार च, और वहाँ की स्पेशलिटी भी बता लो कि क्या क्या फेमस है वहाँ को जहाँ को, मतलब यह सबसे छोटा बाजार च बट बहुत फेमस है वो, मतलब वह क्या प्रोडक्ट बढ़ता जो पूरा गढ़वाल में और दिल्ली तक भी जाता, तो वही चीज़ में बता लो। बाकी छह तो छोटा बाजार से बल वह हर चीज़ एक एक दुकान तो हमें जरूर मिल ले, तो जो हमते बेसिक चीज़ चाहिए रहता वो सब एक बाजार बटे मिल जाता। तो पैथर दिखेणु म्यार गांव, और बाकी मैं दिखा जाओ तुम तो बने। ये तो हमारे गांव छे पंचली जो पौड़ीगढ़ वाला कल जिखाल ब्लॉक में च, और यख हम बने चे बट यख हम कोड़ लगी तो अभी दिखेणु नीचे। तो ये जो रोड जानी चे बने का कौन जानी चे बटे 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर पंचली बटे, और वन गाँव रास्ते बिच यख, मतलब गाँव रास्ते बिच जो शॉर्टकट से मथे कौन वो काल च बस थोड़ा सा बट ठीक चे, वो भी वो हम तो मतलब 15 मिनट में पहुँच जाता आराम से। बरसात लगी चवनी भी हमें बहुत टाइम बटे सुनो चाह कि बने का मथे व्लॉग बढ़ाओ, अब बने वाले भी कमेंट करना कि तुम बोले घंडियाल कहाँ से दिखे आल, पर जो तुम्हारे मेन मार्केट है वो तो तुमने अभी तक दिखा नहीं। तो फिर मैंने बाल आज में बड़ा ही दिन, बाकी आज हमारे गाँव में लोग जाना चाहिए मुंडेश्वर ची एक जगह बक मंदिर जाना चाहिए, बट मैं यार छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी तो छह चाहिए बट काम फ्लो ज़्यादा चाहिए आजकल, तो फिर तब वो छुट्टी स्किप करन पहाड़ में थी। तो अभी 9 बजे ना चाहिए 11 बजे उठे मेरा ऑफिस चालू हूँ, तो मैंने वाले तब तक मैं बने एक बटे ब्लॉग बढ़िया करने जाऊँ फिर काम करन लग जाओ। ये देखो गांव वाला आज जाना चाहिए मुंडेश्वर मंदिर बट मैं ऑफिस से तो भी जा नहीं सकना चा। ये तो गांव वाले तो चल गई मंदिर, और मैं लगी जाओ पैदल पैदल, मैंने बाल थोड़ा पैदल पैदल वीडियो बढ़िया करना जाऊँ, नहीं तो मैं भी गाड़ी में चल जाना चाहिए। अब पहुँच गई मैं बने को रोड में, और ये वेल जो रोड चाहिए पंचली खुंड चल जाती इन हाथ पुल सतपुली खुंड, और जो मत जानी बने घंडियाल और पौड़ी खुंड लगी रहती रोड। तो आप पहुंच गया हम बने एक, मतलब स्टार्टिंग लग गया बने का कर, जो बने एक बाजार से पौड़ी गढ़वाल का कल जी खाल ब्लॉक में पुड़ दो जो मतलब पट्टी मनियार से अंदर आ दो, और बाकी मतलब बाजार ज़्यादातर मतलब 3-4 गांव लोग छिन जो बसियाँ छिन जिन पंचलिक छिन सबसे ज़्यादा, फिर कुछ बलूनी गाँव के, कुछ पलसु गाँव के, और कुछ सैनारक और कुछ नैथाणक, अब बाकी 1-2 गाँव का और बसियाँ वाला। तो सबसे पहले बने एक जान दे पहले को यह हमें गाँव घाट से जो अगर इना बटे आओ ताल बटे ही, मतलब इना सतपुली रोड बटे ही तो हमारे दादी घाट से आ रहा भी, तो पता नहीं कोई छह चिकन ही घर में, और देखो दादी रंग क्या मूंगी लगी इंच बढ़िया, दादी रंग खूब करी नैन खेती, अब बाकी ना बाजार लग जा। तो बाजार में मतलब पटेल चौक बिच, स्कूल बिच, मीन्स मेडिकल शॉप बिच न, और पोस्ट ऑफिस बिच, बैंक बिच, बाकी स्टेशनरी सामान और सीमेंट वगैरह हार्डवेयर सब कुछ सामान मिल जाओ तुम थे यार चलो छा फिर कौन। तो ये जो दुकान ची हमारे पटवाल दादाजी के, दादाजी सेना रख ना दादाजी, मतलब जब बटे हमारे स्कूल टाइम शायद स्कूल टाइम पढ़ता चाहिए तब बटे एक दुकान खुली है ना दादाजी, जब हम फर्स्ट पहल क्लास में रहे वाला तब अरे बटे खुली है दुकान। ये जो मकान थी ये मेरे फूफ मकान च, फूफ रहने हमारे मतलब वन गाँव थे प्लस च बट घर हूँ क्या बड़ी चौन दिल्ली भी चूँ घर घर है कि अब परमानेंट आई यो भी प्लस की च मकान, और इन तरफ ये स्कूल छ और इना ये बरात घर बनी च, बाकी मेरे मतलब जो बने के स्कूल छह ब्लॉग अलग बनी च वो डिस्क्रिप्शन में डाल दो मैं वहाँ का लिंक तू भी देख लेना। मतलब पहले तक 3 स्कूल चाहिए, अब तो मतलब प्राइमरी स्कूल भी बंद हो गया शायद, ये फिर से चालू होनी चाहिए शायद अगर 1-2 बच्चे एडमिशन हो जाला, बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल च मतलब इंटर कॉलेज तो वो तो चालू हो गई पिछले हफ्ते मंडे बटे शायद, पिछले मंडे बटे चालू हो गया। बाकी अब बने एक मार्केट लग गया मेन, तो ये जो बने एक मार्केट और ये पैथर जो मकान छो वो भी बलूनी गाँव छ जहाँ मत मैं वीडियो बनी चाहिए प्लान न धुंधा वजह से मार्केट साफ नहीं दिखा चाहिए बट कोई बात नहीं थोड़ा मैं दिखा लेंगे। और ये जो सबसे पहले दुकान चाहिए हमारे भाई जी संतोष भाई हूँ कि हम तुम तय मतलब खाना पीना वगैरह खाने से लेकर पीने तक सब कुछ मिला लो।
तो ये हमारे संतोष भैया जी दुकान से यकम तो लंच वगैरह करना हो, डिनर वगैरह करना हो तो यकम सब मिल जाला। बाकी बन वगैरह, क्रीम रोल वगैरह सब मिल जाला। पहले तो यकम सब कुछ मिलता, चाहे फास्ट फूड वगैरह, चाउमीन वगैरह। तो अब थोड़े लोग भी कम हो गए ना, यहाँ अब इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं सर। मेडिकल शॉप से थोड़ा हालत बुरी हुई है, बट तुम तो दवाई सब मिल जाए यकम। ये देखो ये बलूनी जनरल स्टोर, तो ये मैं दगड़े पापा दुकान चाहिए, बट अब चले गए एक बटी। बाकी यक तुम तो सब मिल ले। पहले कम हमारे चाचा दुकान से राशनी का, और इन तरफ पोस्ट ऑफिस बिच। तो ये हमारे चाचा दुकान से तुम्हें राशन वाशन सब कुछ मिल। क्या हाल अनूप? आ जानू बैठा दुकान में। हाँ क्या कर रहा है? अकेले घूम रहे थे। हाँ अरे चाचा जी आ गए मेन मालिक दुकान का। और मेन दुकान मालिक अपना नाम बताएंगे? नहीं नहीं पप्पू चाचा मैंने सुनील रावत चू नाम। चाचा कितने टाइम बैठे खुली तुम्हारी दुकान यक में? कितना साल होगी ना? 30-35 साल है। पहले दादी जी चलाना चाहिए, अब चाचा समूल दुकान। और चाचा पोस्ट मास्टर सर्विस नहीं करके, तो जैसे भी टाक वाक भी जानो बोलो तो चाचा से संपर्क कर। अब चल दो हम इतरे तरफ। तो आज बारिश हुई है और बारिश में आनंद लेते हुए बारिश का माहौल है। ये दुकान प्लस ऑप्शन है तो अब बंद है कि नहीं? अरे ये हमारे चाचा दुकान से चक्के का सबसे पुराने चाचा है कि संजू चाचा नहीं? नहीं वो तो दिल्ली चले गए। अरे चाची दुकान से अच्छा चाचा दिल्ली चले गए। और अब भी ना ये सबसे पुराना टी स्टॉल चेक का। अरे यक जितना भी बड़े बड़े नेता चिन्ह सी एम चिन्ह चाहे खंडोड़ी जी चाहे तीरथ सिंह रावत चाहे सब यक में आंदा चाहे। तो चाचा की टी स्टॉल से अरे हमारे चाचा जी चाचा बन नाम प्रधानपति नहीं वैसे समाज सेवी है चाचा। तो कोई भी जैसे भी कुछ काम कराने वाला तो चाचा से संपर्क करें। अच्छा अच्छा क्या होना? अच्छा कल कल जाना सर। चाचा कितना टाइम बैठे खुली है आपकी दुकान? अच्छा 1900 मतलब आप दादा पढ़ते थे बटे मतलब चलाना चाहें तो यह कम मतलब तुम तो सब्जी फल फ्रूट्स वगैरह और टी स्टॉल मेन यूज बने कर। बाकी यह कम जो सब जो शादी कौन बिस्तर वगैरह सब यक बटे जाते हैं ना। और ये जो मथे मकान देखो ना ये हमारे गोली भाई जी से हमारे फूफू मकान से ना उन लड़का नाम से गोली भाई। अरे ये जो दुकान चाहिए सबसे गढ़वाला वन ऑफ द फेमस दुकान से यक तुम थे मतलब सब कुछ प्योर मिल लो। होम डिलीवरी मिल जाएगी? हाँ होम डिलीवरी मिल जाए। यक नमकीन छिन जो सब सबसे फेमस है मतलब पौड़ी क्या ये दिल्ली तक जाना छिन नमकीन। तो ये भैजी छिन संदीप भाई। तो जो मतलब आप दुकान थे दिखता पहले पापा जी दिखते चाहिए दुकान थे बट यूँ दी दुकान छिन एक यकम चाहिए एक बिल खेतम चे तो बांगाटम सॉरी। तो चाचा बता दे क्या क्या सामान रख दो आप? नमकीन छे ना? ये नमकीन छे जो सबसे वर्ल्ड मतलब गढ़वाला वर्ल्ड फेमस नमकीन छे सब ले जाते हैं थे अब बहुत टेस्ट छे। ये मोटी नमकीन छे ना? हाँ ये मोटी नमकीन छे ना। चूना का बिस्कुट छे ना? ये देखो ये तुम तक खाना कौन मिला चूना बिस्कुट छे बिल्कुल प्योर चूना का आजकल आठ मिलन मुश्किल है। हाँ ये मैं दिखा तुम तक ये देखो ये चूना का लड्डू बढ़िया ना। तो ये बिल्कुल भैजी मतलब भैर नहीं कि नौकरी वोकरी करना खोना अपर जो दुकान छा पहली बटे पूरा जो खुली तो वहाँ थे ही ऐतर बहन मतलब बहुत सही करी हुई। और बाकी भैजी दूसरी दुकान आप बांग आटम जो ना? हाँ तो बाकी आप क्या सामान बना दो? हाँ मिठाई बाकी जलेबी भी बन दिया कम जलेबी बनाना छे भाई जी। तो मतलब अगर तुम तक कुछ भी लेना बने बटे तो यह कम जो दुकान से भाई जी दुकान का नाम क्या छो आपका? कुलदीप नमकीन। हाँ कुलदीप नमकीन स्टॉप मतलब स्ट्रीट शॉप से तो यह कम तुम तक मतलब सब कुछ मिल जाए। ये तुम तो जान ये बिस्किट छे ये बिस्किट तुम तो गढ़वाले में मिल रहा है इवन पाकि चावल बिस्किट बोलते चाहे बट एक क्वाद हम भी बढ़िया छे ना करेला बिस्कुट छे ना। हाँ ये करेला वाला बिस्कुट छे ना। और ये नमकीन तो छाई चाहिए नमकीन जो तुम्हारे हल्दीराम में भुजिया खाना उसे भी बढ़िया नमकीन छे यो अगर तुम लगन वाले की अगर गलत बोलू छो तो मैं एक बार एक जरूर टेस्ट करके देखे ना बिल्कुल अलग ही टेस्ट चाहिए नमकीन का। तो बन बह गया हम जलेबी
ये देखो, ये का सबसे फेमस जलेबी चाहिए तुम तो। यक जो मेला होंगे एक मकर संक्रांति दिन, वो दिन भी बन दे यक स्पेशली गिंदी कोते का दिन। तो जलेबी चाहिए यक 120 रुपये किलो। तो थोड़ा समय भी ले जान खाना खुना आ जाए जब तक गरम गरम जलेबी। तो ये वेगी ना अपर जलेबी पैक, तो चल दो छापे बाकी। ये धारी रोड हम चिन्ह दुकान ये ना हमारे ताइक दुकान च, और ये ना हमारे चाचा दुकान च। यक हम देखो ये टेलर शॉप भी च, तो यक हम तुम तो सब कुछ मिल जाल। और ताई भी चला दे ताई पढ़ना हम ताई क्या क्या सामान रखते तुम दुकान हम अपर आई बस सब्जी उब्जी नहीं रखी आप अगर यो मिन ताई ताई और बलोनिक सिन ताई और बाजार में ना बस बलोनी का प्याप रहे यहाँ बस है। तो ताई चमर ताई बलोनी की गाँव से बस ताई ताई और यहाँ जो बलोनी अभी बने कम रहे यहाँ से ना अब बाकी का गिन गाँव छोड़े कन के लेकिन सब अभी आला मतलब है पूजा टाइम पर आला घर। हाँ बाकी ताई सब्जी उब्जी भी रखी नहीं थी पर आजकल नहीं रखी ताई सब्जी आजकल बस काल आजकल गाड़ी में होनी है सब सब्जी। और बाकी नाच नहीं थी चार दुकान टेलर शॉप भी चेक तो बने कम तुम तो हर चीज़ मिल ली जाल दुकान। और यह हमारे गाँव दुकान चाहिए दादा जी का मैं थानी दादा जी तो बने के रहता। तो यो यक मूंग क्लीनिंग शॉप च मतलब हमारे फैमिली डॉक्टर साहब पहले बटे दादी। तो अब भी तो कोई चाय नहीं घर में दादी की सबसे पुराना दुकान चेक जो मेडिकल शॉप च मतलब दादी है ना घर में कोई बीमार वगैरह भी होंगे तो गाड़ी चल जाते स्कूटी लेकर ना। बाकी यकम ये भैजिक टेलर शॉप च। और ये हमारे गाँव कुलो चाचा खुली दुकान अभी तो बंद करी तो हार्डवेयर वगैरह मिल जाते मतलब सीमेंट्स वगैरह आज दुकान बंद ही है बर्फ वजह से मिला अभी तक कोई आ नहीं है। बाकी ये दुकान छा यक मांग जो प्रमुख छा बहुत पहले सैनार गाँव का हमारे दादा जी से ना दुकान चाहिए। अरे बैंक च 10 बजे तक खुलल। और बाकी तो इन बटे देखो ये हो बने एक मार्केट है छुट्टी बट यक तुम तो मेन जरूरत तक सब कुछ मिल जाए। और बाकी ना ये मैं दगड़े घाट चाहे अरे ना स्कूल से नहीं अब आ गया मैं मत्थी साइड मतलब जो बने एक बटे मत घंडियाला कुंड जान रोड तो मैं दिखा चाहिए अगर भी थोड़ा बहुत तो मकान बढ़िया चाहिए बने को का। तो ये देखो ये दो चार मकान बढ़िया चाहिए ना। और इना ये पूरे डांग स्कूल से यहाँ बारे में मेरे ऑलरेडी डली चाहिए वीडियो। बाकी ये ब्लॉग में इतना ही अगर अच्छा लगो ब्लॉग तो शेयर जरूर कर दिया और बाकी सब्सक्राइब जरूर कर दिया अगर पहल बार यहाँ चैनल में। बाकी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना लो और टॉपिकों में अब थोड़ा मेरे को लेट भी होने ऑफिस अकाउंट भी लेट हो जाए। चलो फिर मिलते चागिल ब्लॉग में।